हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक नया क्वेश्चन टाइप रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ। इस क्वेश्चन में भी दो ट्रेन्स के साथ हम लोग खेलने वाले हैं, लेकिन डेटा कुछ अलग है, सिचुएशन सिनारियो पूरा अलग है। ठीक है, क्या सिचुएशन है? ट्रेन नंबर वन, ट्रेन नंबर टू। वन जो है उसका लेंथ 200 मीटर है, जो आपकी ट्रेन नंबर टू है उसका लेंथ 100 मीटर है। साथ ही साथ दोनों ट्रेन्स का स्पीड भी दिया हुआ है, इसका स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपने को क्या पूछा गया है, उससे पहले एक और चीज गिवन है कि दोनों ट्रेन्स जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये भी एक चीज गिवन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड इज व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। व्हाट इज द टाइम टेकन By the faster train to cross the slower train। अब इसमें faster train कौन सी है? Obviously, as per the speed अगर आप देखो तो faster train जो है आपकी train number one है, train number two smaller है, यानी slower है, sorry। तो इस केस में अगर अभी देखा जाए तो the question will be like that कि the time taken by the first train to cross the second train, ये अपने को फाइंड करना है कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक, शॉर्टकट, फंडा, फॉर्मूला, जो भी कहना चाहो कहो, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। देन टी, दैट टाइम इन विच वी आर इंटरेस्टेड, दैट कैन बी सिंपली कैलकुलेटेड बाय, लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर दिस एज अ ए, दिस एज अ बी, जो उनकी लेंथ है रिस्पेक्टिव ट्रेन्स की, उनका जो स्पीड है एक्स एंड वाई। इन चारों एंटिटीज से अपन ये टाइम फाइंड कर सकते हैं इन सिंपल वे, लाइक ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय Simply, this is going to be x minus y. I hope you are getting the point. इस तरीके से जो है वो आप टाइम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हो, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है अपना। ठीक है, तो अभी इसमें सबसे पहले तो यार 1 किलोमीटर पर आवर को हटाना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो वो यहीं पर कर देते हैं। 48 × 5/18 एंड यहाँ पे 30 × 5/18। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 × 3 होता है, यहाँ पे 8 होता है, 8 × 5 = 40, 40/3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितना आता है, ओके दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 25/3 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात। अभी अपने दोनों स्पीड निकल के आ गए और यहाँ पे ये मीटर में दिया है, सो वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज देयर, दैट इज 200 प्लस दिस 100 डिवाइडेड बाय 40/3 माइनस 25/3। लेट सॉल्व दिस, ऊपर आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 40 − 25/3। अब यहाँ पे मैं इस 3 को क्या करता हूँ, ऊपर भेज देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आएगा, 900 डिवाइडेड बाय, अब 40 − 25 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 15। और फिर यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो दिस इज 1 जा एंड दिस इज 6 एंड 0, ओके सो 60 सेकेंड्स इज गोइंग टू बी टेकन, 60 सेकेंड, या फिर आपको वो 1 मिनट भी बोल सकते हो, ओके 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स आर बीइंग हेयर रिक्वायर्ड बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ये सारा आपको अगर मामला समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।